ने जो वादे किए हैं उसे सरकार बनते ही पूरा किया गया है। कांग्रेस सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखकर काम कर रही है, यह बात आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। आपको बता दें कि एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने छत्तीसगढ़ प्रदेश के आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा राजनांदगांव पहुंचे, जहां उनका महापौर निवास में स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन के 2 वर्ष पूरे होने पर योजनाओं के संबंध में चर्चा की। राजनांदगांव दौरे पर पहुंचे आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने महापौर निवास में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने जो कहा वो किया है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ किया गया है। वहीं राजीव गांधी कृषि योजना के तहत किसानों को लाभ दिया गया है। वहीं उद्योगपति के हाथों में फंसी बस्तर के किसानों की जमीन वापस कराई गई है। इसी के साथ पट्टा वितरण सहित छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार भारत की पहली ऐसी सरकार है जिसने 2500 रुपए क्विंटल में किसानों का धान खरीदा है। कवासी लखमा ने कहा कि प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार जनहित में कई सफल योजनाएं चला रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में शामिल 36 में से 24 वादे भूपेश बघेल सरकार ने पूरे कर दिए हैं और बाकी के बचे हुए वादे भी इन 3 सालों में पूरे हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के मुद्दे को लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बीते 2 वर्ष 50 शराब दुकानें बंद की गई हैं, वहीं इस वर्ष में 49 बार बंद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में शराबबंदी को लेकर कमेटी बनी है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता तय करती है, हाईकमान तय करती है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया है और पिछड़ा वर्ग से है, वही किसान है, वह आदिवासियों से अलग नहीं है। राजनांदगांव से संवाददाता इल्ला सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का सरकार बन के 2 साल हुआ है। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री, उनके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में पहला काम कर्जा माफी था। बस्तर के आदिवासी लोगों का, उद्योगपति का, टाटा का जमीन वापस करना, जंगल जमीन का पट्टा देना और विश्व आदिवासी का दिवस का छुट्टी देना, हर हिंदुस्तान में सबसे पहले 2500 रुपये देने वाला पहले राज्य है। हमारा सरकार ने पहला साल में 2500 रुपया दान खरीदी किया है। पिछले साल भारत सरकार ने माना करने के बाद हम लोग दूसरा नया कानून बनाए हैं, राजीव गांधी किसान नया योजना, उसके माध्यम से 2500 रुपया छत्तीसगढ़ का किसान को मिलेगा। छत्तीसगढ़ बनने के बाद 2 साल में उद्योग विभाग का नया कानून सरल करवाया गया है और छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है, पूरा देश मंदी होने के बाद भी छत्तीसगढ़ में उतना मंदी नहीं है, बाजार रौनक है। सोना, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर या बहुत तेज़ी से खरीदी हो रहा है। हमारे इस देश में गुरुआ बाड़ी और गोबर खरीदने करने वाला हिंदुस्तान का पहले राज है। ये 2 साल में बहुत योजना भूपेश बघेल का सरकार, कांग्रेस पार्टी का सरकार ने किया है। अभी 3 साल बचा है, जो बच्चे वाला 27 घोषणा पत्र था, 36 बिंदु में घोषणा पत्र था, हम लोग 24 बिंदु को ख़त्म किया है, बचा वाला को आने वाला 3 साल में करेंगे। आप आबकारी मंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री का पद जनता तय करती है, हाईकमान तय करती है, पार्टी तय करती है। कोई भी मुख्यमंत्री, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया है, किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, पिछड़ा वर्ग से आता है, ये बहुत आदिवासी से दूर नहीं है, आदिवासी से मिला जुला रहते हैं पिछड़ा वर्ग के लोग, इसलिए कोई मेरे और लोग का दिमाग में होगा
मेरा दिमाग में अभी वर्तमान मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से है, किसान है, मजदूर है, ये अच्छा है। आज लगातार 15 साल में बाहर का दारू आती थी, हम लोग पकड़ने का कोशिश और चौकी खोलने का कोशिश लगातार किया जा रहा है, उसके बावजूद भी ये छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेशों से घिरा हुआ प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, आंध्र है, तेलंगाना, उड़ीसा, इसलिए लगातार हमारा विभाग के हमारा पुलिस ने कार्रवाई कर रहा है, ये और दुरुस्त और ज़्यादा कार्रवाई करेंगे, इसको पूरा तरह से बंद करने का कोशिश। नहीं, छत्तीसगढ़ की शराब छत्तीसगढ़ में ज़्यादा अवैध रूप से बिक रही है, बाहर की शराब पकड़ा रही है। हम छत्तीसगढ़ का पहला बार सुन रहे हैं, छत्तीसगढ़ का दारू नांदगांव में बेच रहा है, कोसों के माध्यम से उसको बंद किया जाए। बंदी में पिछले साल 50 दुकान बंद किया है छत्तीसगढ़ में, और इस साल 49 बार को बंद किया गया है, और आने वाला समय में ये छत्तीसगढ़ में हमारा घोषणा पत्र में था, हमारा वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा के अध्यक्षता में कमेटी गठन किया है, ये जो दारू किसान मजदूर से जुड़ा हुआ मामला है, अब यहाँ दारू भी चल रहा है और बाहर से दारू भी आ रहा है, ये बहुत कठिन मामला है। बस्तर में 5वां अनुसूची है, सरगुजा में 5वां अधिकार ग्राम पंचायत को है, और आदिवासी को पहले से आदिवासी को 5 लीटर छूट है, ये सारे मुद्दा को समीक्षा कर रहे हैं राजनीतिक से, पत्रकारों से, बुद्धिजीवी लोग से, व्यापारी लोग से, और राजनीति से ऊपर उठ के सुने हुए प्रतिनिधि लोग से चाला मासूर हो रहा है, जो अच्छा होगा ऐसा निर्णय हमारा सरकार करेगा। पाटे को ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.